साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मेला प्राधिकरण के बीच महाकुंभ 2025 को लेकर बैठक हुई है। बैठक में महाकुंभ के दौरान साधु संतों और अखाड़ों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई है। साधु संतों ने अखाड़ों के मठ और मंदिरों के रख रखाव और सौंदर्यीकरण का मुद्दा भी उठाया। साधु संतों की तरफ से कहा गया कि महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश और दुनिया भर से आते हैं, ऐसे में उन्हें जरूरी सहूलियत और सुविधाएं उपलब्ध हो, इसको लेकर मेला प्राधिकरण को जरूरी इंतजाम समय से करने चाहिए। इसके साथ ही गंगा और यमुना में स्नान पर्व के मौके पर स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके, इसके भी जरूरी प्रबंध किए जाए। देखिए, आज जो हमारा कुंभ का मेला है, कुंभ का मेला कैसे किया जाए, क्या किया जाए, अखाड़ों की व्यवस्थाएं क्या है, उसके लिए चर्चा हुई है और बाद में उसके निर्माण की बात की जा रही थी आप लोगों के लिए। नहीं, अभी वो बात चल रही है, अभी देखा जाए। आपको लेकर जो है कृष्णानंद जी ने जो बयान दिया है, नहीं देखिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो भी हमारे महाराज श्री ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आपने बिना जांच के बिना जो भी मन में आए बोला उचित नहीं, इसीलिए हम कोई बात नहीं करना चाहते। चोरी हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केदारनाथ में चोरी कहाँ से होगी, जिसने सोना लगाया है बेचारा वो जानता है। शंकराचार्य का कहना है कि धर्म के लोग राजनीति में ना आए, राजनीति के लोग धर्म पर टिप्पणी ना करें। पहले ये उन्हीं को करना चाहिए, वो राजनीति क्यों कर रहे हैं, पहले वो खुद सही उस बात को। देखिए, उनके बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता, वो आप सब उनको जानते हैं। उद्धव ठाकरे को आशीर्वाद दिया नरेंद्र मोदी को लेकर बार बार वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, उनको पाल घर में रखना चाहिए, पाल घर में हमारे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था कभी हम आशीर्वाद। खास बात यह है कि इस बार के महाकुंभ को ग्रीन कुंभ क्लीन कुंभ बनाने का संकल्प भी लिया गया है। महाकुंभ के दौरान पूरे मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। मेला को प्लास्टिक मुक्त बनाने में अखाड़ों के संतों की भूमिका भी तय की गई है, ताकि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक किया जा सके। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी अखाड़े के संतों ने मेला प्राधिकरण के सामने कई सुझाव रखे हैं। खास करके शाही स्नान के मौके पर अखाड़े के शिविर से लेकर स्नान घाट तक जरूरी सुरक्षा के इंतजाम की मांग रखी गई है। बैठक के दौरान अखाड़ा परिषद की तरफ से फर्जी बाबाओं का महाकुंभ में प्रवेश पर रोकथाम को लेकर भी बात रखी गई है। महाकुंभ 2025 में भले ही अभी 5 महीने का समय है, लेकिन श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले इसके लिए योगी सरकार के स्तर से भी सभी जरूरी इंतजाम किए जाने के निर्देश मेला प्राधिकरण को दिया गया है। मेला प्राधिकरण की तरफ से मेला क्षेत्र में पक्के स्नान घाट बनाए जा रहे हैं, साथ ही दूसरे जरूरी प्रबंध भी किए जा रहे हैं। क्या बिंदु थे और आज सभी अखाड़े के पूजनीय संत यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने जो अपने जो इच्छाएं थी आगे जो मेला आयोजित होना है 2025 में अपनी बातों को रखा, और चाहे भूमि के विषय में और अन्य सुविधाओं के विषय में, और उन्होंने यह भी अपेक्षा की कि कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बना लिया जाए जिससे कि अखाड़ों से सतत संवाद बना रहे और हम अपनी बात उन तक पहुंचा सके और उनकी बात हम तक पहुंच सके। तो हमने इस तरह का मैकेनिज्म तैयार कराया हुआ है, अब आगे इस तरह के मैकेनिज्म के आधार पर ही उनसे वार्ता की जाएगी और उनका मार्गदर्शन लिया जाएगा, और जो उन्होंने बातें रखी चाहे वो सुविधाओं के संबंध में हो, क्षेत्रफल के संबंध में हो, उन सबका भी यथा संबंध रखा जाए। प्लास्टिक मुक्त रहेगा किस तरह से, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी परिकल्पना रही हुई है। प्लास्टिक मुक्त मेला और प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज के बारे में हम सभी अधिकारियों को निर्देश देते हैं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा। उसके लिए हम रणनीति भी बना रहे हैं कि प्लास्टिक और थर्माकोल के स्थान पर हम ये मिट्टी के बर्तन और जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कपड़ा आदि और जो इस तरह का जो बांस के चीजें क्रॉकरी रहती है उसका प्रयोग करें, और सभी संतों से भी और सभी जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा और एक व्यापक आंदोलन यहाँ पर चलाएंगे कि जिससे यहाँ पर आए माँ गंगा से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनको धन्यवाद ज्ञापित करें, उनको
प्लास्टिक के रूप में गंदगी ना। घाटों का निर्माण चल रहा है, कोई समय सीमा निर्धारित घाटों का निर्माण चल रहा है और अच्छी गति में निर्माण चल रहा है, रात्रि काल में भी निर्माण चल रहा है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम और दिन रात काम करा के 31 अक्टूबर और कुछ काम रहेगा तो 15 नवम्बर तक सबका। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।